अस्सलाम बच्चों, मैं साजिद के एजुकेटर सोर्स से आपका फिजिक्स टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और आज हम उसके अंदर पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमने की है राइट एंगल ट्रायंगल, कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। डेफिनेशन हमने की है अ ट्रायंगल व्हिच हैज वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आपको नजर भी आ रहा है ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास जो एंगल है ए सी और बी सी के दरमियान वो है 90 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके साइड्स को हमने कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे BC को हमने परपेंडिकुलर का होगा, AC को बेस का नाम दिया है, जबकि A और B का लाइन को हमने हाइपोटेन्यूज का होगा। अब ये तीनों ही साइड के नेम कैसे लेने हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी, या सिंपल वर्ड्स में कहें कि 90 के जो ऑपोजिट लाइन होगी उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और आपका जो एंगल थीटा बन रहा, अब थीटा क्या चीज है, जैसे आप फोर्स को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं एफ का, मास को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं एम का, उसी तरह एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, उसे बोलते हैं थीटा। अब थीटा के जो सामने वाली लाइन होगी उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा होगा उसे बोलते हैं बेस। तो इस तरह से आपके तीन साइड्स क्लियर हो गए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशियोज लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आते हैं, जिसमें साइन कॉस और टेन होते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस कैसे बनते हैं जरा इन्हें देखते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों की रेशियो में, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा साइन ऑफ थीटा, जो इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेंगे तो आपके पास रिलेशन आएगा कॉस थीटा, वो इक्वल है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और थर्ड पे आपके पास बचता है टेन ऑफ थीटा, और टेन ऑफ थीटा के लिए हम लेंगे परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो। इस तरह से आपके पास ये तीन रेशियो बनेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशियो लेंगे, और इसका साइड हमारे पास आएगा कोसेकेंट थीटा, और जो साइन का इनवर्स होगा, साइन का इनवर्स कोसेकेंट थीटा होता है, जो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह कोसेकेंट का जो इनवर्स होगा वो होगा सेकेंट थीटा, और इसका ये वैल्यू बराबर होगी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। टेन का इनवर्स होगा अपर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस थे जिनको हमें यूज करना पड़ेगा हमारे स्टूडियो में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे। सो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन करते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या चाहिए। Splitting of a force into its perpendicular component is called resolution of force. जब आप एक force को split कर देते हैं, बिखेर देते हैं उसके components में, तो उन अमल को बोलते हैं resolution of force. अब इसमें perpendicular components का जो भी है इसकी बात करते हैं। Perpendicular components are the part of force which are affecting in a particular direction. आपके पास एक resultant force होती है, तो उसके कुछ components होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, R
एक रिजल्टेंट फोर्स है, जबकि ए बी और सी ये तीनों उसके कंपोनेंट्स हैं। डेफिनेशन हमने बता दी है, जब आप रिपीट करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ फोर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसी फोर्स के हिस्सा होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन में अफेक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जी, तो बच्चों जैसा कि हमने पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, अब हम एक फोर्स एफ है उसको रिसोल्व करेंगे उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए बी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मिला के हैं उसमें एफ एक्स और एफ वाई। अब ये कैसे प्राप्त किए हैं इसको देखते हैं। आपके पास एक फोर्स है जो लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट की जा रही है, और ए से फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर और उसे नाम दे दिया बी का, और ये सारा नाम दिया हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल। और फिर ओ को बी से मिला दिया हेड टू टेल के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास दो कंपोनेंट आए हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक है वाई कंपोनेंट। एफ एक्स का मतलब ये है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स की तरफ, और इसी तरह एफ वाई का मतलब है फोर्स का वो कंपोनेंट जो वाई की तरफ। हम इसी रिलेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, से लेके ए तक ओ बी और ए के बी के सबके। इसी तरह ओ ए की जो वैल्यू है ऊपर है ए के, उसे हमने एफ का नाम दे दिया। ओ बी की जो वैल्यू है वो अलग है एफ एक्स के, और एफ एक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह ए बी लाइन को नाम दे दिया एफ वाई का, और उसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने रिअरेंज किया तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई निकला। अब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है कि अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स बताई जाए और पूछा जाए उसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करें हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा लेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एफ वाई यहाँ पे जो एफ वाई है वो हमारा इक्वल है प्रीपेंडेंटली इक्वल, हमारा एफ एक्स जो है वो बेस के इक्वल है, और हमारा एफ वो इक्वल है हाइपोटेन्यूज। और ये रिलेशंस या ये वैल्यूज कैसे इतनी है ये हमने पहले पढ़ लिया। सो इन रिलेशन को यूज करके हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एफ बाय राइट एफ मीन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की अगर हम रेशियो लें तो उसका आंसर इक्वल आता है साइन ऑफ थीटा। अब यहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को खत्म करके यहां पे साइन थीटा इज इक्वल एफ बाय डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इस इक्वेशन को रिअरेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ बाय इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। इट मींस दैट कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन और उस एंगल पर डिपेंड कर रहा है जो वो लाइन के साथ बना है। इसी तरह हम उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमें एफ एक्स और एफ की रेशियो मिलेगा। एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हैं इसमें एफ एक्स जो है वो हमारी बेस है जबकि एफ हमारा हाइपोटेन्यूज है।
डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। ये दो रिलेशन जो हमने फाइंड की है एफ वाई एंड एफ एक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको इन रिलेशन का पता होना जरूरी है। इन रिलेशन को यूज करके हम बड़ी आसानी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, आ वो हॉरिजॉन्टल हो आ वो वर्टिकल हो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मजीद इसके मुतालिक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।